everyone, I am your loving Hardik Kumar. कैसे हैं आप? So आज finally ले proper city का हमारा tour start हो चुका है. आपको पता है last video में हम ले city पहुंच चुके थे. शाम के वक्त खाना वाना खाया थोड़ा बहुत, वहाँ ले market घूमे या फिर ले माल रोड भी कह सकते हैं अब उसे definitely. और आज आए हम घूमने ले पैलेस, जो कि बहुत ही खतरनाक एंड टफ लोकेशन पे है. थोड़ा बहुत वीडियो मैंने आपको दिखाया, तो मतलब यहाँ पे कार लेकर आना तो बहुत डिफिकल्ट है. तो आप चल के आए तो बेटर है, बट हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, मतलब हमारे साथ है भाई सबक भाई, तो वो थोड़े शाही मिजाज वाले हैं, तो उनको चलना ज़्यादा पसंद नहीं है. तो इसी चक्कर में ऑलमोस्ट 8-10 किलोमीटर ज़्यादा घूमना हो गया. तो फाइनली ले पैलेस पहुँचे. यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पार्किंग की भी इतनी कुछ खास स्पेस नहीं है, तो वो भी थोड़ा दिक्कत वाला है. और टिकट खरीद लिया, 25 रुपये टिकट का दिया, स्कैन कर सकते हैं, बट हमारा वैसे भी नेट तो चल नहीं रहा, तो डायरेक्ट कैश ही पे किया. और अब जा रहे हैं अंदर. अंदर वीडियोग्राफी लाओ नहीं है, फोटोग्राफी लाओ तो थोड़ा बहुत फोटो वोटो आपको दिखा देंगे, और चुपचाप कुछ हुआ तो थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे. तो देखते रहिए, मज़ा आएगा आज. और कुछ और भी जगह ले प्रॉपर सिटी में हम घूमने वाले हैं. और ऐसा सब कुछ हमारे देश में ही लिखना पड़ता है कि बिना बोले तो बात समझ में किसी को आती नहीं. बट ऑलमोस्ट बहुत सारा बंद है, कुछ खास है देखने. सो ले पैलेस के टेरेस पे, मतलब आठवें मंजिल पे घूम रहे हैं अभी. छत बनी हुई है और एक थोड़ा और बना हुआ है, शायद वो 9वीं मंजिल है, 9th फ्लोर. तो ठीक ठाक है, मतलब बड़ी खस्ता हालत है. कभी भी गिर पड़े तो कुछ संदेह नहीं कर सकते, बट अभी मेंटेनेंस चल रहा है. बट फिर भी 25 रुपये बर्बाद ऐसा ही है. और ऊपर से 25 रुपये तो छोड़ो, पूरा घूम फिर के इतना आए वो बर्बाद, 10 किलोमीटर. तो ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट सब कमरे वगैरह जहाँ पे राजा महाराजा रहा करते वो सब तो बंद है, तो कुछ देखने को ही नहीं. छोटी सी 2-4 गैलरी बना रखी है, वहाँ फोटो वोटो चिपका दिए, बात खत्म. बस मतलब ये नज़ारे के लिए आप आ सकते हो कि ये बढ़िया सा लद्दाख का लेह का सॉरी लेह का पूरा व्यू मिल रहा है पूरे सिटी का. बाकी कुछ है नहीं वो आज पहले से वाला है. तो बस अब ले पैलेस को अलविदा. और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये पैलेस आने के लिए, रास्ता बहुत सकड़ा है और ऊपर से पार्किंग की कुछ खास स्पेस भी यहाँ पे नहीं बनी हुई, तो ये बड़ी दिक्कत होती है.
मैप की बदौलत बहुत सारा इधर उधर घूम घाम के आफ्टर ऑल एट द एंड फाइनली पहुँच चुके हैं शांति स्तूपा, जो कि थोड़ा सा दिखाया बहुत खूबसूरत बना हुआ है और एम्बियंस बढ़िया है इसका, और स्पेशली व्यू पूरा जो सर्कुलर मिलता है कमाल है। और 30 रुपये इसका एंट्री फीस चार्ज किया, तो ऑलमोस्ट सब जगह पे यहाँ पे वो थोड़ा बहुत एंट्री फीस लेते हैं फॉर मेंटेनेंस पर्पज ऑफ कोर्स। तो अच्छा है, पीसफुल है, बढ़िया सी हवा चल रही है। नहीं आज क्या सीन है, या फिर मतलब रेगुलर वाला ये इश्यू होगा। तो बढ़िया से यहाँ मतलब आर्मी वालों के स्टंट देखने को मिल रहे हैं, अभी हेलीकॉप्टर घूम रहा था और क्या मतलब खतरनाक वाले करतब कर रहे थे एयरफोर्स वाले मतलब। फिर अभी फाइटर जेट एक गया बढ़िया सा फुल स्पीड में आया था, सांस सीन था वो, और पीछे से गोले छोड़ रहा था वो, जैसे अपन फिल्म में नहीं देखते कि एक फाइटर जेट के पीछे किसी ने मिसाइल छोड़ दिया दुश्मनों ने, तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो ऐसे गोले छोड़ता है और वो क्रूज मिसाइल उससे टकरा के ब्लास्ट वहीं पे हो जाता है, ऐसा कुछ सीन था। बट वो शूट करते करते उससे पहले ख़त्म हो गया और दूर था काफ़ी, मतलब इसमें मोबाइल में शूट दिख भी नहीं रहा था ठीक से और बादल छाए हुए, तो उस वजह से वहाँ पे भी कहीं इधर घूम जाता है, मतलब माइंड ब्लोइंग। यहाँ मतलब ये इस बात ये देख के पैसा वसूल, ट्रिप वसूल, पैसा तो नहीं कहेंगे। तो गाइज वहाँ से हम आ चुके हैं अपने अगले पड़ाव, दरअसल लद्दाख ले यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्तूप ही बने हुए हैं, बौद्धिज्म कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे है इन इलाकों में। वैसे नेपाल बाजू में पड़ जाती है, भी एक टाइम पे भारत का हिस्सा था, तो यहाँ सब जगह पे वही दलाई लामा बौद्ध सब छाए रहते हैं। तो एक्चुअली बहुत बढ़िया जगह होती है, पीसफुल एटमोसफियर होता है और लोग बड़े अच्छे हैं दिल के, तो ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी हेल्पफुल केयरिंग कोऑपरेटिव, आपको बहुत सारा गाइड करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्यार से बात करते हैं। और यहाँ का जो ये स्पीतु का व्यू है ये बढ़िया तासु है एक्चुअली, पीछे लद्दाख एयरपोर्ट बना हुआ है और साथ में इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट भी, मतलब दोनों कम्बाइंड रनवे तो एक ही लग रहा है, बाकी पता नहीं नहीं शायद अलग है, तो ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता डेफिनेटली फॉर सिक्योरिटी रीज़न, देश फर्स्ट बाय नेशन फर्स्ट। बट बहुत बढ़िया नज़ारा है, वहाँ से भी बढ़िया दिख रहा था, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, पता नहीं या लाइटिंग, बट खूबसूरत है नज़ारा। और हर गली मोड़ पे आपको आर्मी वाले दिख ही जाएंगे, ट्रक्स, उनके जीप्स, वो लोग घूम रहे हैं और बहुत सारे आज तो फाइटर जेट्स हेलीकॉप्टर वगैरह घूम रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है, बड़ा पावरफुल फील हो रहा है। क्योंकि वैसे भी वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ भावनगर गुजरात में, तो वहाँ तो ऐसे नज़र डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। और ये जगह वैसे भी सेंसिटिव भी है, एक और चीन उंगली कर रहा है दूसरी ओर पाकिस्तान, तो हमें भी तो रेडी होना पड़ेगा मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। मतलब अभी बढ़िया काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट कर दिया है, अब कोई उंगली कर तो फाड़ देंगे ऐसा लग रहा है यहाँ देख के। चलिए घूमते स्पीटुक मोनेस्ट्री। बहुत खूबसूरत है, थोड़ा सा बढ़िया सा क्लोज अप देखा था, माहौल है बहुत
ऐसा कुछ नज़ारा है संगम का। आप देख सकते हैं ऊपर से एक ही नदी आ रही है, बट नीचे आके दो हिस्से हो रहे, दोनों के कलर अलग अलग है। आप देखिए ये हरा वाला है और ये ब्राउन थोड़ा सा अलग डल। और ये है वो स्टॉप पॉइंट संगम का, जहाँ से आप रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए जा सकते हैं। आपकी कार वगैरह वहाँ पार्क कर सकते हैं, लगेज वगैरह है तो उसको भी वहाँ पे रख सकते हैं, और फिर टिकट वगैरह लेके ये लोग आपको ले जाएंगे आगे स्टार्टिंग पॉइंट की ओर, जो उस ओर कहीं दूर बना हुआ है, और फिर वहाँ से आपको रिवर राफ्टिंग करते 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 यहाँ आना है। ये देखिए ये नाव आ रही है, आप देख पा रहे होंगे पीछे कुछ और आ रही है, काफ़ी छोटी दिख रही है बट अभी वो यहाँ आ जाएगी। और ये यहाँ पड़ी हुई नाव जो यहाँ आ चुकी है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एक्चुअली वहाँ नीचे जाए उससे बेटर है कि यहाँ ऊपर हम सड़क पे खड़े हैं, ये बोर्ड लगा है इन्हीं का एडवर्टाइज का, तो वहीं पे हम खड़े और ये नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे सारी बोट्स आ रही है जो ऊपर गई थी, आप देख सकते हैं। दूसरी वहाँ दूर पीछे से आ रही है। संगम वहाँ देख लिया, फिर बीच में आती है मैग्नेटिक हिल। एक्चुअली हमने आज थोड़ा सा अलग ट्राई किया था और ये आप भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। लेह सिटी से निकले और लास्ट स्टॉप करीब 20-22 किलोमीटर दूर आता है वो संगम, तो वो देख लिया। फिर वहाँ से अब हम रिवर्स आ रहे हैं, तो इस और आगे हम लेह सिटी की ओर जा रहे हैं, तो बीच में मैग्नेटिक हिल पड़ता है, तो वहाँ पर जो हमने गाड़ी रोकी थी कुछ मतलब वो दिखा नहीं असर मैग्नेटिक हिल वाला, पता नहीं क्या है सच है कि नहीं, या फिर शायद बाइक वाइक पर असर करता होगा कार पर नहीं, तो छोटा सा अभी आपने देखा वही था तो पता नहीं। और अब आया है पत्थर साहिब, तो ये एक गुरुद्वारा है, काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, और लद्दाख जो ले आते हैं वो देखने में यहाँ एक बार विजिट करते हैं। काफ़ी हिस्टोरिक है और कुछ इसकी कहानी वगैरह है, कोई पत्थर उत्थर ऊपर से किसी राक्षस ने वहाँ से फेंका था और बाबा ने यहाँ रोक लिया था और लोगों की जान बचाई थी, ऐसा कुछ स्टोरी है, तो यही देखना है। अभी यहाँ से थोड़ा थोड़ा देखते हैं, आई थिंक वीडियोग्राफ फोटोग्राफी अलाउ है कि नहीं, बाहर से थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। और ये इंडियन आर्मी इसको मैनेज करती है, तो काफ़ी बढ़िया है इसका काम, तो चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। तो ये वहाँ पे बना हुआ है गुरुद्वारा और यहाँ से इसका एंट्रेंस है, वहाँ की जगह अब संत थोड़ा सा सामने है, तो वीडियो और वहाँ ऊपर वो बना हुआ है जगह जहाँ से आप चल के जा सकते हैं, या सीढ़ियाँ बने हुए हैं, वहाँ कोई राक्षस था उसने नीचे पत्थर उत्थर फेंका था और फिर बाबा ने रोक लिया था और लोगों की जान बचाई थी। जो पत्थर यहाँ इसी गुरुद्वारे के अंदर रखा हुआ है जिसे देखने के लिए और मत्था टेकने के लिए लोग आते हैं, और यहाँ पे बैठे सब चाय वाय पी रहे हैं, शायद मुफ्त में ही होगी गवर्नमेंट मतलब आर्मी इंडियन आर्मी वालों की तरफ से, तो ऐसा कुछ है नज़ारा इसका। चलिए फिर थोड़ा सा अंदर हो आते हैं। चाय पिया, बढ़िया था, थोड़ा सा मूड बदला था, 4 बज रहे शाम के, कभी-कभी शाम के और मैं चाय पी लेता हूँ, बट थोड़ा सा ही उसे प्रसाद के तौर पे ही पिए, ठीक है। ये कोई भंडारा नहीं चल रहा कि मतलब भूखे प्यासों की तरफ लग जाओ, और साथ में वो टोस्ट भी खिला रहे, तो वो तो मैंने नहीं खाया, नहीं खाना था मुझे, थोड़ी सी चाय अच्छा फील आ रहा है, तो मज़ा आया। और सब खा रहे हैं तो मतलब पूरा आर्मी वालों की तरफ से अंदर प्रसाद भी थोड़ा सा दे रहे हैं, उसका पूरा मेंटेनेंस सब कुछ आर्मी वालों इंडियन आर्मी यहाँ की है जो कर रही है, तो काफ़ी अच्छा मैनेज किया है, बहुत पीसफुल एटमोसफियर है डेफिनेटली यहाँ पे, तो विजिट करना बनता ही है अगर आ रहे हैं तो, और अगर कोई टैक्सी वगैरह हायर कर दे तो वो तो आपको लेके ही आएंगे यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे 3:30 बज रहे, लंच के लिए हम बैठे, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का खाने के लिए। सर खुद ये मेहनत तो है बनता है। वेज थेन तुक और ये है और ये है चिकन चिकन चॉप सी। चॉपसी। ये भाई साहब के लिए, मैं वेज वाला हूँ। और सामने देखिए खूबसूरत नज़ारा, तो अच्छी जगह है, कुछ संगम रेस्टोरेंट करके बीच में पड़ता है ये ब्रिज के पास, तो वहीं रुके हम और एंजॉय कर रहे हैं इस बढ़िया से वो फूड को। चालू पहली पड़ी है। बार खाया ये, एक्चुअली क्या बोलते हैं, तिब्बतियन फूड डिश है जो यहाँ वैसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो अपने कट्टे की सब्ज़ी होती है ना, वैसे कुछ था, हमारे गुजरात में कुछ दाल टोकली बोलते हैं, तो वैसी पतली सी वो लेयर होती है आटे की बनी हुई, साथ में बहुत सारे वेजिटेबल्स और थोड़ा सा सूप उसमें मिक्स लिक्विड टाइप, तो उसे खाना है पीना है, ऐसा कुछ था। हालांकि यहाँ लोग फीका खाते हैं तो थोड़ी सी वहाँ चटनी वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो उससे आप ऐड करके स्पाइसी और चटपटा बना सकते हैं। तो यहाँ के लोगों की हेल्थ का राज है फिक्का खाना, ज़्यादा टेस्टलेस खाना। हम ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो फिर वो फिर तबीयत बकबका जाती है, और इन लोगों ने खाया वो भी अच्छा था। वो थोड़ा सा तो महंगा ऑफ कोर्स मिलेगा ही, जगह ऐसी है, बट लोकेशन अच्छा था तो मज़ा आ गया। अब जा रहे हैं आगे एक और खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मॉल ऑफ फेम के बाहर, जो एक्चुअली हमें देखना था बट अनफॉर्चुनेटली आज नहीं देख पाए। अब पता नहीं शायद कल तो हम यहाँ होंगे या नहीं, कहीं और जाना का प्लान है। बट ये बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पे इसकी टिकट विंडो बनी हुई है और आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ही पे कर सकते हैं, कैश यहाँ पे नहीं लिया जाता। और अलग अलग चार्जेस है, 25, 20, 50 रुपये, 200 रुपये, अलग अलग 100 रुपये, तो अलग अलग शो होता है उस हिसाब से। चंदपुरा म्यूजियम बना हुआ है कि भारत ने अलग अलग कारगिल का युद्ध जैसे है, और दूसरे 1971 का युद्ध था, उससे पहले वाले युद्ध थे, उन सब युद्धों में जो ये चीज़ें यूज़ हुई है भारत की तरफ से, टैंक वगैरह तोप वगैरह जो कुछ यूज़ हुआ था, जीप, तो उनके कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स वगैरह जो है वो यहाँ सैंपल के लिए लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान या चाइना वाला कैप्चर किया था इंडिया वालों ने, उठा लिया था उनका, वो भी वहाँ पर रखा हुआ है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन सब युद्धों के दौरान इस जम्मू कश्मीर रीजन से या फिर यहाँ भी की जो कुछ बटालियन वगैरह है उनके जो सिपाही थे, सैनिक थे, लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर जो सब हुआ करते थे, उनमें से जो जिन्होंने अच्छा काम किया था, जिनको कोई मेडल वगैरह मिला, सम्मान मिला था, तो उन सब के भी यहाँ नाम और उनकी डिटेल वगैरह रखी हुई है कि किन की वजह से वो सारे युद्ध हम जीत पाए और किन की वजह से देश का नाम रोशन हुआ है। तो इसीलिए हॉल ऑफ फेम इसे कहा गया है कि उन सब की फेम, उनको यहाँ फेम दिया गया है, उसके उनके लिए सम्मान में एक हॉल बढ़िया से बनाया गया है। तो मतलब बहुत बेस्ट जगह है, अगर आप आर्मी की चीज़ों को दीवाने हो उनको देखने के लिए, सब फोटो खिंचवाने के लिए, वहाँ से सुनने के लिए, तो डेफिनेटली लेह में आपको ये जगह मिस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम लेट हो गए, इनका टाइम होता है दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक म्यूजियम का टाइम, तो अभी 6 बज रहे हैं तो ये नहीं हो पाएगा। बट इसके बाद एवरी डे शाम के 7:30 बजे एक यहाँ पे लाइव शो भी होता है, जिसमें वो पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप, मतलब जो रियल युद्ध हुए थे उन सब के, उस जमाने में जो छोटे मोटे वीडियोज लिए थे उन सबको इकट्ठा करके एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, वो यहाँ पे दिखाते हैं। देखते हैं अभी 1 घंटे का टाइम है, एक्चुअली 1.5 घंटे का टाइम है, 6 बजे 7:30 बजे होता है, तो हो सके तो देखेंगे और शूट हो सके तो आपको दिखाएंगे। सो गाइस, बढ़िया से आज घूमे ले लोकल सिटी और उसके आसपास की कुछ जगहें जो आपको दिखाया। अभी फिर से आए वहीं ले मेन मार्केट, ले माल रोड, तो आज थोड़ा सा जल्दी आया 8 बजे, बट फिर भी आज भी धीरे धीरे सब बंद हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे यही सीन है,
किले माल रोड आपको घूमना है तो 9 बजे से पहले ही आइए। 9 बजे के बाद तो मतलब आपको यहाँ पे सुनसान सड़कों के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा माहौल है, अपनिंग प्लेस है, तो ऐसे ही आ जाए, बढ़िया से थोड़ा सा देर बैठना है और ये माहौल एंजॉय करना है। फिर भी थोड़ा सा लेट है, 8 बज गए हैं, तो बस थोड़ा सा ये माहौल हम एंजॉय कर रहे हैं, मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ और ये लोग भी साथ में बैठे हैं। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया, तो बेल आइकन अगर ऑफ है तो उसको ऑन रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे बहुत सारे चैनल के साथ शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि कल अब हम यहाँ फाइनली ले से निकल रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं और शायद हम जा रहे हैं कल नुब्रा वैली। और अगर चांद रही और आप सबका प्यार रहा तो तुरतुक करके एक जगह है जो इंडिया का आखिरी गांव कहा जाता है और जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे आई हुई पोस्ट ऑफिस बनी हुई है, तो वहाँ पे भी जाने का मौका मिलेगा, फिर देखते, क्योंकि वो जगह काफ़ी टफ है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे भी। सो लेट्स सी हो सकता है कि नहीं, बट आप अपना प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दैट्स इट गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिएगा, फिर मिलेंगे इसी सफ़र के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अडियोज़।